उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले विच भयानक हादसा वापरिया जिथे गुजरात तो श्रद्धालुओं नूं लैके जा रही एक बस खड्ड विच डिग गई। इस हादसे विच 7 लोगों की मौत हो गई है ते 27 लोग जख्मी दसे जा रहे ने। जानकारी मुताबक गंगोत्री तो 35 लोगों नूं लैके परत रही बस गंगनानी विखे हादसे का शिकार हुई है। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे बारे अधिकारियों नाल गल की है अते तुरंत राहत अते बचाव कार्य शुरू करने के निर्देश दिए ने। 4 बजे डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम को एक सूचना मिली कि एक बस है जो कि गंगनानी के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। ये सूचना के तत्काल मिलते ही जो है गंगनानी चौकी थाना मनेरी की फोर्स और SDRF बटवाड़ी जो है मौके पर पहुंचे और तत्काल ही रेस्क्यू ऑपरेशन जो है चालू किया गया। ये अभी तक की मिली सूचना के अनुसार ये जो बस है ये उत्तराखंड नंबर की बस है UK07PA8585 और यात्री जो है गुजरात के बताए जा रहे हैं। इसमें 35 लोग सवार अभी तक की सूचना जो मिली है इसमें ये पता चला है कि इसमें ये लोग जो 35 लोग सवार थे इस बस में, जिसमें से 6 की डेड बॉडी जो है रिकवर कर ली गई है। एक घायल जो है वो बस में फंसा हुआ है, उसका रेस्क्यू जारी है। एक मिसिंग है और 27 जो है उनको जो है उत्तरकाशी भेज दिया गया है। वो सभी लोग सुरक्षित हैं और जो है सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जो है अभी स्थानीय पुलिस NDRF DDRF फायर सर्विस और लोकल पुलिस के कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन से चल रहा है और जल्दी जो इसको कंप्लीट कर लिया जाए। आज लगभग 4:15 बजे यहाँ गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर गंगनानी नामक स्थान पर से एक वाहन की दुर्घटना की खबर प्राप्त हुई। यह एक यात्रियों को लेकर जा रही बस थी और जैसे ही दुर्घटना का पता लगा मौके पे स्थानीय जो पुलिस की तैनाती थी वो लोग मौके स्थल पर आए और साथ ही SDRF की हमारी टुकड़ी बटवाड़ी से रवाना होकर यहाँ पहुँची और उन्होंने रेस्क्यू वर्क किया और साथ ही यहाँ फॉरेस्ट के भी कुछ कर्मचारी थे, उन्होंने सहयोग किया, स्थानीय लोगों ने किया अच्छा सहयोग और अभी तक लगभग 27 लोगों को घायल अवस्था में जीवित रेस्क्यू किया गया है और लगभग 6 बॉडीज़ अभी तक रिकवर हो गई हैं और अभी रेस्क्यू कार्य गतिमान है। तो अभी उम्मीद है कि जल्दी ही सभी जो बॉडीज़ हैं उनको भी रिकवर करके ऊपर ले आया जाएगा।